Hi guys, good morning, welcome back to my new vlog. इतनी गर्मी है यहाँ पे, सुबह सुबह 6-7 बजे धूप आ जाती है अंदर, तो सुबह सुबह उठ के ही मन करता है कि पहले नहा ले फिर और काम करेंगे। सबसे पहले मैं झाड़ू दे रही हूँ, मैंने वीडियो एडिट करी क्योंकि वो डालनी थी मैंने अभी। यहाँ पे मम्मी डस्टबिन साफ कर रहे और गंद हम यहाँ पे जलाएंगे अभी थोड़ा सा। गंद तो क्या ही है ये, पर प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह है। और ये हमने जो कल शूज धोए थे वो सुखाने डाले। कितना सारा जीरा पानी पिया है हमने कितनी सारी बोतलें जीरा की है ना ये। यहाँ पे कचरा जला रहे हैं मम्मी। ये हमारा पुराने वाला घर है, पुश्तैनी घर, मतलब जिसमें मम्मी वगैरह कभी रहते थे पुराने टाइम में। तो अभी भी इसकी जो दीवारें हैं ना वो बहुत पक्की है, ऐसे मजबूत है, मतलब ऐसे गिरा नहीं है ये। और यहाँ पर थोड़ा सा घास हुआ है जिसको आज हम क्लीन करेंगे। लगी इसमें तो लगी नहीं मम्मी आग, नहीं लगी। धूप यहाँ पे सुबह भी 8 बजे, ये देख लो आप, पूरे गांव में धूप आ गई है। चलो मैं देखती हूँ झाड़ू अब। तो मैं नहा के आ गई हूँ, फ्रेश होगी बिल्कुल। अब मैंने करना है पूजा पाठ, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। और खाने में हमने आज प्लान किया है कि हम बनाएंगे पूरी और आलू की सब्जी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पूरियाँ हमने खाई नहीं है और ना ही बनाई है। तो आज हमने वो सोचा है बनाने का। पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे और फिर खाएंगे। गाइस यहाँ पे हैं हमारे भगवान जी और इनके पास हम लाइट जगमग जगमग कर देते हैं। अभी जोत लगा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मम्मी छिल रहे आलू, क्योंकि आलू की सब्जी बनानी है हमने। और मैं करूंगी आटा। आटा जो है बना के रख दिया है, इसमें अजवाइन डाली, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और आटा मतलब थोड़ा सख्त जैसा रखा है ताकि बनाते हुए वो ठीक जाना पड़ता है तो अच्छा लगता है। मैंने आलू की सब्जी बना के थोड़ी सी कुकर में डाली थी, क्योंकि आलू जो है ना थोड़े से कच्चे रहेंगे, तो इसलिए हमने दोबारा से तड़का लगा के कुकर में डाल दिया। और उसके बाद हम बनाएंगे पूरी। हमारी पूरिया बन के तैयार हो गया और हम लोग सरसों के तेल में इसलिए बना रहे क्योंकि हम रिफाइंड यूज नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। तो सरसों का तेल मैंने अच्छे से जला लिया है, ऐसा नहीं कि ये वाली अच्छी पूरी निकली। एक बार फूल के ना वो सिनेमेटिक शॉट लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने पहले से बेल के रख दी थी ताकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाऊँ, क्योंकि तेल फिर जलता रहता है, जैसे अभी जल चल रहा है। चाची जी आए हैं हमारे घर पे। चाची जी बोलो हेलो, कैसे हो आप लोग? अरे आप नहीं ऐसे पूछो, कैसे हो आप लोग, ठीक हो कि नहीं हो? नर्वस क्यों हो रहे आप? नर्वस होते जब पहली पहली बार कमरे पे आना पहले के लिए। अभी मैं लाइट कर दूंगा, ये देखो अपने घर के बंद लाइट नहीं कर रहे वीडियो।
बाय बाय। तो गाइज ये हमने नई बेडशीट ली थी, एक दिन में सोलन से लाई थी, तो बिछा के ऐसे देख रहे, चेक कर रहे जरा पूरी आती है कि नहीं आती है। वाइट कलर का है इसका जो सरफेस है और बाकी पिंक मैजेंटा कलर के इसमें फ्लावर्स है ना। बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। और ये हमने तकिया भी देखा था, क्योंकि इसके जो ग्लाफ थे ना ये थोड़े मेरे को खुले खुले से लग रहे थे, थोड़ा सा खुला तो है पर ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं होता। मम्मी ने मेहंदी लगाई है ना तो सर में थोड़ा सा लिफाफा लगाया हुआ है, उस वजह से मम्मी शर्मा रहे। यहाँ से ये सर्विंग होती होनी, यहाँ पे किचन होना पड़े कहीं, है ना, फिर यहाँ से देते होने खाना। और इधर भी एक रूम, डर भी लगता है मेरे को। अच्छा इधर सामान है, इधर स्टोर रूम है। यहाँ पे भी एक रूम है, रूम मतलब कहाँ पे, यहाँ घूम रही है। ये उस पे कॉपीज वगैरह पे लगते थे, ये स्लिप पे जैसी। ये इस पे क्यों लगाई थी आपने, नाम लिखे थे इस पे? बच गई थी, मैंने इस पे चिपकाया दिख रहा है ऊपर भी देखते रहोगे सर पे। अब हम पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं, सारा सामान इसमें रखते हैं फिलहाल जो हमारे को नहीं चाहिए। ये हमारे ठंड के शूज थे तो हमने अभी तक रखे नहीं थे ये क्रॉट में। बाकी कंबल भी हमने बेड में रख दिए, अब वैसे कि थोड़ा खाली खाली सा हो गया है। दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोगों ने सब ने लंच कर लिया, लंच भी कर लिया है, बाकी रेस्ट भी कर लिया, बहुत सारी बातें भी कर लिया। आपने देखा ही चाची भी आए हुए थे तो काफ़ी टाइम लग गया उनके साथ भी बातें करते करते। और फिर शाम के टाइम हम लोगों ने घर मतलब अपने रूम भी निकलना है, शाम के टाइम जाएंगे क्योंकि धूप थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। अभी रेस्ट भी क्या ही करना है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है पर अंदर भी नहीं हम टिक पा रहे, ऐसी भरी गर्मी में हम पी रहे हैं चाय, और वो भी पाउडर वाले दूध की। और मम्मी भी तैयार हो गए अब घर जाने के लिए, चाय के साथ खा रहे हैं अब बिस्किट। अब हम लोग जा रहे हैं वापस रूम अपने, तैयार हो गए हैं और खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रहे हैं। भाभी जी का फ़ोन भी आया था मेरे को, वो बोल रहे थे कि हम भी आ रहे हैं वहाँ तक जहाँ हमारा रूम है दोपहर में, तो शायद उनसे मिलना भी हो जाएगा, जानवी से भी मिलना हो जाएगा, आपको भी मिलवाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। फिर से लग गई चोट, हम भी संताली आ रहे तो हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे अपने, और अभी भाभी जी का कॉल है कि वो अभी नीचे ही है, अभी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। ये देखो आज भाभी जी के दर्शन हो गए, और मेरे चाची चाचू सब आए हुए आज। किसी का फोन नहीं है, वीडियो बन रही है। जानवी फोन लेना है आपने। हेलो
जानी कर दो हाई कर दो उधर कोई दूजे को यहाँ का तो पता नहीं है बेचारी की क्या है बस रहने दो देखी हेलो मामा देखो इधर देखो इधर देखो देखो भाई इधर बस चाची जी रहने दो इधर दे तो दिए तानवी के साथ ना यार मन नहीं भर रहा है देने का मन नहीं कर रहा मेरा ऐसा मन कर रहा अपने पास ही रख लो भाभी जी पास ही रहना ना देखिए एकदम तैयार की है जा